हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करूँ, यदि आप केवीएस में ऑनलाइन आवेदन किए थे यानी केंद्रीय विद्यालय में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम आया या फिर नहीं आया, किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। यदि आप लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, दोनों में सेम प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद केवीएस लिख करके सर्च कर देना है। जैसे आप केवीएस लिख करके सर्च की जगह यहाँ पे जो फर्स्ट में लिंक दिखाई दे रहा है, इसी लिंक के ऊपर मैं आपको एक बार क्लिक कर देना है। इस लिंक के ऊपर मैं जैसे आप क्लिक कीजिएगा या वेबसाइट ओपन करते हैं और इंपॉर्टेंट लिंक आपको नहीं नजर आता, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है केवीएस ऑनलाइन एडमिशन 2024-25। तो सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ओके के ऊपर मैं क्लिक कर देना है, तब जाकर के यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लिंक वाला जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आप अपना डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब फाइनली यहाँ पे आपको जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है इस पर क्लिक करके, जिसमें कि यदि आप अपने आवेदन जो किया था उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट ले सकते हैं। आवेदन की स्थिति चेक करें, इसके ऊपर में क्लिक करके आप जो है चेक कर सकते हैं क्या फॉर्म भरने का निर्देश है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम स्टेटस चेक करने वाले हैं, तो बीच वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके फॉर्म जो होगा, फॉर्म के लास्ट पेज पे जहाँ पे पंजीकरण विवरण रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लिखा होता है, वहाँ पे स्टूडेंट का नाम रहता है और लॉगिन कोड होगा, तो लॉगिन कोड आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। डेट ऑफ बर्थ बच्चे का टाइप कर देना, जो आप मोबाइल नंबर दिए थे वो नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है। फाइनली यहाँ पे कैप्चा टाइप कर देना, लॉगिन के ऊपर में क्लिक करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का पूरा डिटेल्स आ जाएगा, किस क्लास के लिए आप अप्लाई किए थे, सेशन क्या था, कब आप फॉर्म अप्लाई किए थे, सारे डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि योर लॉटरी रिजल्ट फॉर केवी सहरसा, तो जो स्कूल का नाम दिए रहिएगा वो भी आपको दिख जाएगा लिखा हुआ, मतलब आपका नाम अभी नहीं आया है। और यहाँ पे जो सेकेंड लिस्ट है वो भी जारी होने वाला है, तो फिर बाद में भी आप चेक कर सकते हैं। यदि यहाँ पे नंबर शो कर रहा है तब आपका नाम आ चुका है, तब लॉटरी नोट कंडक्टेड अगर लिखा हुआ रहेगा, मतलब फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है, सेकेंड लिस्ट भी जारी होगा, तो सेकेंड लिस्ट का आपको इंतजार करना है। यदि यहाँ पे कुछ नंबर शो कर रहा है मतलब आपका नाम आ चुका है, तो आपको क्या करना है कि नज़दीक में जो भी आप स्कूल दिए थे केवीएस, वहाँ पे आपको जाकर के केंद्रीय विद्यालय में आपको कांटेक्ट करना है कि सर मेरा लॉटरी में नाम आया, क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ज़्यादा बेटर होगा वहाँ से जाकर के आप पूछ लेना, वो समय से अपना एडमिशन आपके बच्चे का करवा लेना। उम्मीद करता हूँ ये सारा जानकारी आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए और भी नए नए इन्फॉर्मेशन ला सको। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।